हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कि प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया आता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, और उसके लिए वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। प्रमोटर ही वो पर्सन होता है जो कंपनी के लिए कैपिटल रेज करता है या कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रमोटर को कैसे डिफाइन किया हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर प्रमोटर को सेक्शन 2 सब क्लोज 69 के अंदर डिफाइन किया है। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में दिया होता है, और सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग प्रमोटर का नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न के अंदर भी दिया होता है। तो हम कंपनी के एनुअल रिटर्न से भी प्रमोटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके पास कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल होता है, यानी प्रमोटर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, और प्रमोटर के पास कंट्रोल डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी। प्रमोटर कंपनी का शेयर होल्डर, डायरेक्टर या कोई और पर्सन हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है, अगर हमें कंपनी का प्रोस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न और कंट्रोल से प्रमोटर का पता नहीं चल पा रहा है, तो प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस देता है। मेरे को उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।